बा घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ो हजार बा। का बा एमपी में का बा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा। का बा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश के लिए भी गाना बनाया है। यूपी में काबा की तरह इस गाने का नाम भी एमपी में काबा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आए इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मामा नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इस गाने में नेहा सिंह राठौर ने शिवराज की तुलना कंस और शकुनी जैसे नेगेटिव किरदारों से कर दी है। गुरुवार 13 जुलाई को सार्वजनिक किए गए इस गाने की शुरुआत में ही नेहा सिंह राठौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि मामा की सरकार बा, घोटाले का भरमार बा, एक दो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा, एमपी में का बा। पहले ही लाइन में नेहा ने झलकी दे दी थी कि वो आगे क्या करने वाली है। एक एक कर उन्होंने कई कथित घोटालों का जिक्र किया, लेकिन शुरुआत की गई सीधी पेशाब कांड से। नेहा गाती है, बीजेपी के नेतवा झाड़त रुआब बा, आदिवासियों के कपार पर करत पेशाब बा, एमपी में काबा। आइए सुनिए। बा घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ो हजार बा, काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा, काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल अरे पटवारी एजी पेंशन अब आपन घोटाला बा, काबा एमपी में काबा, अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 मास सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा, काबा एमपी में काबा, लड़ली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, लड़ली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार, बाकी 1000 की कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा, काबा एमपी में काबा, अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा, काबा एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले दूसर मामा शकुनी रहले, एगो मामा कंस रहले दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई मामा के। आज तक से मिली जानकारी के मुताबिक पेशाब कांड पर विवादित ट्वीट करने के बाद नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भोपाल समेत एमपी के कई शहरों में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। वहीं नेहा पहली बार चर्चा में तब आई थी जब बिहार और यूपी के विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने अपने गानों से सरकारी तंत्र की कमियों को उजागर किया था। इसके बाद फरवरी 2023 में भी नेहा के घर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने नेहा के लिए गाए गीत में समाज में दुश्मनी फैलाने का आरोप लगाया था। नेहा एक भोजपुरी गायिका है, उनका नाता बिहार और यूपी दोनों से है। वो बिहार के कैमूर जिले में पैदा हुई और यूपी के कानपुर में पढ़ाई की, फिर यूपी के ही अंबेडकर नगर में उनकी शादी हुई है।